नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 2 दिसंबर 2023। नवंबर मंथ का कंप्लीट हो चुका है, सो फ्राइडे यानी कल के दिन 1 दिसंबर को करेंसी पेयर्स में कैसे बिहेव किया। उससे पहले हम देखेंगे जो पावेल का कमेंट था, द डॉलर फॉल्स ऑन डोविश रिमार्क्स बाय फेड्स पावेल। क्या हुआ? डॉलर फेल ऑन फ्राइडे आफ्टर 2 डेज ऑफ गेन्स as Federal Reserve Chair Jerome Powell struck a cautious tone on further interest rate moves, saying that the risk of under or over tightening is now more balanced. And the market is taking this remark as dovish in nature. Ye ho gaya Powell ke statement. Usse pehle, aapka Wednesday and Thursday ko month-end related बाउंस बैक देखा गया था, जो आपका 102.46 से ये 103.50 तक पुश बैक किया था। कल के दिन पावेल के स्टेटमेंट के बाद आपका 103.72 से ये नीचे आया 103.20 तक एंड क्लोज 103.11 तक आया था एंड क्लोज दिया 103.20। वीकली क्लोजिंग का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस का स्ट्रक्चर, इट्स ए पिनबॉल टाइप ऑफ कैंडल विथ प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड। यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, जुलाई अक्टूबर का जो एडवांसमेंट हुआ था, जुलाई का लेवल था करीबन 99.50 से अक्टूबर के तरफ 107 की तरफ जो एडवांस किया, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट में आके डॉलर इंडेक्स क्लोज दिया हुआ है। इट्स ए क्रूशियल लेवल। क्रूशियल लेवल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चलना चालू करेगा। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि प्राइस यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है या 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगले हफ्ते आने वाले दिनों में प्राइस का एक्शन हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो कैंडल चार्ट बना है, इट्स ए पिन बार विथ प्राइस रिजेक्शंस मेनली ऑन द डाउन साइड एंड स्लाइटली फ्रॉम द टॉप। सो एंड अगर हम डेली का प्राइस एक्शंस देखेंगे, प्राइस एक्शंस में कंटिन्यूअसली ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में है एंड डेली आरएसआई फ्राइडे को 40 आरएसआई में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव परफॉर्मेंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न्ड, आपका ये रेंज शिफ्ट हो चुका है एंड दैट बीइंग द केस मंथली पर्सपेक्टिव में ये नीचे आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुल बैक नहीं करेगा, पुल बैक करने से भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छा खासा हम देख सकते हैं, बट डॉलर इंडेक्स इज नॉट ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते। सो इसके कारण कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेंसी पेयर्स में है अकॉर्डिंगली हम पोजिशन बना सकते। डॉलर रूपी जो आपका वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 83.24। साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है, ऑल्दो इन आवर ट्रेडिंग आवर्स इन इंडियन मार्केट टाइमिंग्स में ये ज्यादा कुछ था नहीं, करीबन आपका 83.30 एंड 83.36 के बीच में ही घूम रहा था, बट आफ्टर द पावेल्स स्टेटमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे ये जो देखने वाला चीज है कि साइडवेज करके ट्रेडर्स को मींस फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, तो दैट बीइंग द केस फ्रस्ट्रेशंस का भी एक लेवल होता है, कितने दिन तक होगा, कितने हफ्ते तक होगा या कितने महीने तक। Considering that aspect, we need to wait and watch कब ये frustrations का end होता है, either ऊपर की तरफ breakout या नीचे की तरफ breakdown, ये हमें देखना पड़ेगा। And also tomorrow आपका 5 states में election का outcome होगा, हमें देखना है कि ये कुछ major changes लाते हैं as far as the economy is concerned या
एज यूजुअल जैसे बिहेव होता है मार्केट उसी हिसाब से जाएगा। सो यहाँ पे मुद्दा बात है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल पीक तक है, सो हमें ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2700। कैंडल स्ट्रक्चर जो है वो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वीकली कैंडल बनाया हुआ है। अभी देखने वाला चीज क्या है, 1.2730 एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस। इसका मतलब कारण क्या है, ये जो जुलाई टू अक्टूबर का जो डाउन मूव आया उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये रिट्रेसमेंट लेवल का मतलब ये नहीं कि ये कोई लक्ष्मण रेखा है कि जहां पे छूते ही झटका मारेगा और साथ ही साथ यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं या ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन एज वेल एज द फिब रिट्रेसमेंट लेवल एज वेल एज आरएसआई, वीकली आरएसआई एट 59.09 जो 60 के नजदीक है। सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के कुछ समय के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट कंसीडरिंग दैट एस्पेक्ट एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट कि आपका दिसंबर एंड में आपका मीन्स मार्केट ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, थर्ड वीक से तो बिल्कुल डेड हो जाएगा। सो सेकेंड वीक से आपका मार्केट में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कमता रहेगा बिकॉज ऑफ विच वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा एंड थर्ड वीक आते आते मार्केट डेड हो जाएगा। फिर अगेन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स मार्केट पिकअप करेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट इज गोइंग फॉर ए न्यू ईयर एंड क्रिसमस रिलेटेड हॉलीडेज में। सो मेजर प्लेयर्स ट्रेडर्स हेज फंड मैनेजर्स एंड ऑल दिस थिंग्स दे आर गोइंग टू जस्ट टेक ए टेक लीव फॉर मीन्स 2 to 3 weeks ड्यूरिंग दैट टाइम। सो आपका मिड ऑफ डिसंबर यानी 15 तारीख के आसपास तक जो होगा उसके बाद साइडवेज मर जाएगा। उस देयर आफ्टर 10th-15th January onwards नए सिरे से मार्केट का पर्सपेक्टिव हमें ढूंढना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि 1.273050 लेवल्स में एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए। उसका मेन कारण फिब रिट्रेसमेंट्स आरएसआई एंड प्राइस रिजेक्शंस उसके कारण। लेकिन क्या प्राइस हमारे हम जो चाहते हैं वो वैसा उस हिसाब से बिहेव करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम जो भी एनालिसिस करेंगे मार्केट उसी को फॉलो करेंगे, रेदर वी वुड लाइक टू फॉलो द मार्केट। तो अभी यहाँ पे जो डेली कैंडल है फ्राइडे का जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है स्पेशली आफ्टर द पॉवेल्स स्टेटमेंट्स, ये एक पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आपका 30th November का हाई के ऊपर क्लोज 29th November के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो अपवर्ड बायस में ये रेजिस्टेंस को तोड़ने का प्रयास करेगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये जो कल का फ्राइडे का जो कैंडल बनाया है उसको लो के नीचे हमें एक मॉडरेट सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 105.74। ये जो है आपका एक रेजिस्टेंस जोन था कौन सा, 106.05 से 106.30 तक, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है। ये जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 105.75, वीकली आरएसआई अबोव 60, करंटली 62.08। सो आरएसआई 60 का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ फोड़ के ऊपर चला गया है। अभी सिर्फ ये प्राइस एक्शंस को जो रेजिस्टेंस जोन है उसको क्या ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली आरएसआई अबोव 60 बुलिशनेस इज अंडर वे। तो अभी डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे पिछले 4 दिन का प्राइस एक्शंस, एक कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन बना हुआ है ना जस्ट एट ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, ये बहुत खतरनाक। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर आपका 29th November का हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं इन सच ए केस
देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के इस रेजिस्टेंस जोन को भी तोड़ के ऊपर की तरफ जा सकता है। क्या ये होता है, ये हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट ये है फ्राइडे का कैंडल, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द प्राइस पैटर्न इज कंसर्न। इसका मतलब क्या है, इसके लो के नीचे, यानी फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे अगर मंडे ऑनवर्स कभी भी सस्टेन कर जाते हैं तो एक मॉडरेट पुल बैक आ सकते हैं, जो जो आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज व्हिच इज नथिंग बट बॉलिंजर बैंड का सेंटर बैंड, वहां तक आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। सो यहाँ पे हमने दो गेम प्लान ले रहे हैं। क्या गेम प्लान है, पहला है कि कंसोलिडेशन एट द रेजिस्टेंस लेवल, सो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे, तो 29 नवंबर के हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ये फ्राइडे का लो के नीचे सस्टेन कर जाता है मंडे ऑनवर्ड्स, इन सच ए केस एक पुल बैक देख सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया हुआ है ये जो है एट 1.0878। यहाँ पे ये जो आपका जुलाई अक्टूबर का जो रिट्रेसमेंट सेल ऑफ है उसका 61.8% पे एक बढ़िया सा नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, जिसमें अपर एंड पे काफी ज्यादा प्राइस रिजेक्शन से इन कंपैरिजन टू द लोअर एंड। सो व्हाट इट मींस यहाँ पे एक ऑलरेडी नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है। आप अगर इसको जीबीपी डॉलर के साथ कंपेयर करोगे तो जीबीपी डॉलर में अभी तक रेजिस्टेंस मिला नहीं है, लेकिन यूरो डॉलर पे एक नेगेटिव कैंडल यानी रेस्पेक्ट कर रहा है। ऑल्सो लुक एट द आरएसआई, आरएसआई ऑलरेडी 60 में आने के बाद बेंड डाउन हो चुका है। दैट बीइंग द केस यूरो डॉलर इज कंपैरेटिवली वीकर इन कंपैरिजन टू जीबीपी डॉलर। सो यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। यूरो INR, यूरो INR में भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे। RSI ऑल्दो 60 के ऊपर चला गया था, अभी फिर दोबारा 59 बिलो 60 आ चुका है। अभी ये जो एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है इसके लो के नीचे सेल ऑफ, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, यही हमें देखना है। डॉलर येन, डॉलर येन का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 146.74। यहाँ पे देखना है कि वीकली जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है जो प्रीवियस पिन बार के लो के नीचे क्लोज दिया है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। दैट बीइंग द केस मंडे ऑनवर्ड्स हमें सर्टेन प्राइस एक्शन के हिसाब से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, जो हमें मींस लेस रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवर्ड का एक ट्रेड मिल सकता है। अभी येन INR, येन INR जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 56.66। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रीवियस इन्वर्टेड पिन बार के हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है, एंड 40 का जो रेजिस्टेंस था नीचे से ऊपर जाने के टाइम में रेजिस्टेंस ले रहा था उसको तोड़ फोड़ के ऊपर आ चुका है एट 48.14। ये एक बहुत ही तगड़ा मींस पॉजिटिव सिग्नल है। दैट बीइंग द केस मंडे ऑनवर्ड्स हमें आवरली चार्ट पे या डेली चार्ट पे कुछ पॉजिटिव मींस प्राइस एक्शंस देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। डेली RSI इज अबोव 60 काफी टाइम के बाद, यहाँ पे अभी मींस ये हवा बदल रहा है, ये INR का जो हवा है वो धीरे धीरे बदल रहा है। क्या बदल रहा है, पहले एक नेगेटिविटी छा रहा था, ये देखिए कब से नेगेटिव चल रहा है, कब से आपका टेंटेटिव मार्च टू आपका नवंबर, उसके बाद अभी हवा बदल हो रहा है। तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये ऊपर जाने के लिए ऑलरेडी काफी पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। सो बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर रेंज। डॉलर कैंडी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है 1.3489, हमारा जो इमीडिएट टारगेट था 1.3380 से 1.34 का, तो उसी के तरफ आ रहा था। यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बनाया हुआ था, ये जो 6 नवंबर का कैंडल था इसके लो के नीचे, हमारा ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से एनालिसिस था कि इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग
अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं, एंड वही हो रहा है। सो आपका यहाँ पे अगर आरएसआई को भी हम देखेंगे, ये 6 नवंबर का मीन्स आरएसआई को 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है इससे रेंज। सो यहाँ पे एक तगड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आया है ऑलरेडी, पिछले हफ्ते में अच्छा खासा तगड़ा मीन्स सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिला है। आने वाले हफ्ते में भी हमें और तगड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। देखना है कि 1.3380 1.34 लेवल पे आके क्या रेस्पेक्ट करता है या नहीं, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है 0.6670। हमारा टारगेट क्या था? फर्स्ट टारगेट 0.6725 एंड द सेकेंड वन इज 0.6780 से 6800 एंड जा रहा है। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट से पहले काफी मींस ये हलचल कर रहा था साइडवेज काफी इस नेटवर्क में, मींस बार बार टॉप में आ रहा था, नीचे आ रहा था, बॉटम में आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। लेकिन एक बार इस एरिया पे एक स्पेशल कैरेक्टर से ब्रेकआउट के बाद पुल बैक एंड देन मूविंग हायर, तो इट्स अ ग्रेट सिग्नल एज फार एज द प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड। एंड इसके कारण हमारा दो टारगेट 0.6720 एंड 0.6780 से 0.6800, ये टारगेट उसी के तरफ जा रहा है। अभी तो हो चुका है कि इधर जा रहा है, जो हमने बोला था कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, फाइन। अभी व्हाट नेक्स्ट का अगर हम देखेंगे, डेली आरएसआई टेकिंग सपोर्ट एट 16 ट्राइंग टू मूव हायर, बट वीकली इज नॉट weekly is approaching 60, currently 57.03. That being the case, ये 0.68 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए। क्या इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। CNH डॉलर CNH जो है वीकली क्लोज दिया 7.125, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो आपका 7.1075 से 7.1275 का, उसी लेवल पे पिछले दो हफ्ते से सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। तो RSI approaching 60, कौन सा RSI? Weekly RSI approaching 40, not 60, my mistake, and currently at 42.13. So 40 RSI में एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, वही प्राइस सेक्शंस में दिख रहा है। एंड आपका मंथली RSI above 60 से below 60 में आ चुका है, currently at 55.60. अभी अगर हम डेली प्राइस सेक्शन को डिसिफर करने का प्रयास करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है एंड यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। प्राइस कंसोलिडेशन एट इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स में का क्या स्पेशलिटी है? कंसोलिडेशन के बाद देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना चाहिए, सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए। RSI डेली बिलो 40 एट 27.05, सुपर बियरिश momentum as far as the daily time frame is concerned. Only concern is weekly RSI approaching 40, currently at 42.13. ek bar agar weekly RSI 40 ko tod ke niche ke taraf aa jate hain to dollar candy mein aur bhi aapka selling momentum badh jayenge. Ye ho gaya aapka CNH. अभी आते हैं Brent crude future. Brent crude future weekly jo close diya hai 80.24 pe. प्राइस एक्शन में यहाँ पे हम देखेंगे एक रेंज बनाया हुआ है, RSI एट 43.21, नीचे की तरफ 40 में एक हल्का सा सपोर्ट मिलना चाहिए। मंथली रेंज शिफ्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है बैक टू बैक, आपका दो महीना जो है आपका अक्टूबर महीना नवंबर महीना पूरा का पूरा फुल ऑफ नेगेटिव कैंडल्स, दिसंबर में भी नेगेटिविटी दिख रहा है। सो यहाँ पे रेंज शिफ्ट के बाद एक सेल ऑप्टिक्स यहाँ पे हमें कंसीडर करना चाहिए एज फार एज द मंथली पर्सपेक्टिव कंसर्न। वीकली पर्सपेक्टिव में 40 में एक्ट एज अ सपोर्ट, डेली में अगर हम देखेंगे इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। अभी द मिलियन डॉलर क्वेश्चन क्या है कि ये आरएसआई आपका 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करता है या इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आता है। दैट विल डिटरमिन द नेक्स्ट प्राइस एक्शन, द कोर्स ऑफ एक्शन इधर जाएगा प्राइस। यहाँ पे अभी एक प्राइस अगर आप देखोगे डेली पे एक कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर में, नीचे की तरफ 79 एंड ऊपर की तरफ 84, एक प्राइस कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन से बाहर आने देते हैं प्राइस को, उसके बाद हम सोचेंगे क्या होता है। US 10-year treasury अच्छा खासा नेगेटिविटी
आपका एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ के नीचे की तरफ आया। वीकली काफी स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, यानी 10 ईयर ट्रेजरी में, यूएस ट्रेजरी में सेलिंग अभी अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन से ओनली कंसर्न। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, ओनली कंसर्न इज मंथली करेंट रेट 60.61, जो 60 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकते। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक नीचे के तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन। एक बार RSI 60 को तोड़ के नीचे के तरफ आ जाते हैं मंथली RSI, तो यहाँ पे मोमेंटम और बढ़ जाएगा। डेली में जो स्पेशल फीचर है, फर्स्ट टाइम टेकिंग रेजिस्टेंस एट 40। सो जैसे ही मंथली 60 के नीचे आ जाएगा, इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, धरम 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 नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी आते हैं 2 ईयर ट्रेजरी। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी वीकली जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है 4.54, RSI अप्रोचिंग 40 एट 42.02। तो अभी 40 में आने के बाद थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना चाहिए। मंथली इज ऑल्सो अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 63.55। सो मंथली एंड वीकली में नीचे की तरफ हल्का सा सपोर्ट मिल सकता है एज फार एज RSI इज कंसर्न। डेली में ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे, दैट मींस द केस सेल ऑप्टिक्स यहाँ पे चलेगा। लेकिन जो आपका अलर्ट जो है वीकली एंड मंथली में एक हल्का सा सपोर्ट है, वीकली में 40 का सपोर्ट एंड मंथली में 60 का सपोर्ट, वहां पे थोड़ा सा हल्का सा एक मींस हॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल देखना है, क्या ये वीकली RSI 40 को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, मंथली RSI 60 को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है। इन सच ए केस इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना आपका डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो वैसा ही हो सकता है। अंडर व्हाट कंडीशंस? दिस टू कंडीशंस, वीकली एंड मंथली। सो करेंसी वीकली एनालिसिस पे अभी के लिए इतना ही। इन जस्ट अभी नेक्स्ट 15 डेज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकता है, मूवमेंट रह सकता है। उसके बाद मीन्स 15th, 20th December ऑनवर्ड स्टिल 10th और 15th ऑफ जनवरी मार्केट मीन्स साइडवेज हो जाएगा, एकदम थका हुआ हो जाएगा। उसके बाद फिर नए सिरे से हम, तो अभी अभी नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए हम देख सकते हैं, एंड देन 10th January, 15th January ऑनवर्ड्स नेक्स्ट मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे। सो अभी नेक्स्ट 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा जो भी आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे यूरो थोड़ा सा वीक लग रहा है, अच्छा खासा वीक लग रहा है, नॉट थोड़ा सा। GBP हमें ऑब्जर्व करना है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है या फिर यहाँ पे रेस्पेक्ट करके नीचे आते हैं। डॉलर येन में डाउनवर्ड मोमेंटम के चालू हो चुका है, सो इसमें हमें सेल ऑप्टिक्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना है। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।